नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम अग्न्याशय ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे। अग्न्याशय ग्रंथि जिसे इंग्लिश में पेनक्रियाज ग्लैंड भी कहते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले अग्न्याशय ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? अग्न्याशय ग्रंथि अग्न्याशय के पास में स्थित होती है। तो अग्न्याशय ग्रंथि अग्न्याशय के पास स्थित होती है, अग्न्याशय के पास। और दोस्तों यह एक ऐसी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी भी है और बहिःस्रावी भी है, क्योंकि यह एंजाइम भी स्रावित करती है और हार्मोन भी स्रावित करती है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है यहाँ से कि ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी भी है और बहिःस्रावी भी है। अर्थात हमारी जो अग्न्याशय ग्रंथि है यह एक ऐसी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी व बहिःस्रावी दोनों का कार्य करती हैं। अर्थात अग्न्याशय ग्रंथि एक ऐसी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी भी है और बहिःस्रावी भी है, क्योंकि इससे एक अंतःस्रावी इसलिए है क्योंकि इससे एक हार्मोन निकलता है, उसको हम कहते हैं इंसुलिन हार्मोन। अग्न्याशय ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन का नाम है इंसुलिन हार्मोन, जबकि इसे बहिःस्रावी इसलिए कहते हैं क्योंकि इससे एक एंजाइम निकलता है, उसे हम अग्न्याशय रस कहते हैं। अग्न्याशय रस जो हमारे भोजन के पाचन में सहायता करता है। और दोस्तों जो इंसुलिन हार्मोन, इसका क्या काम है? इंसुलिन हार्मोन हमारे रक्त में शर्करा के स्तर का नियमन करता है। अर्थात जो हमारी शुगर है रक्त में शर्करा, उसको नियंत्रित करता है, उसको न तो ये अधिक होने देता है और न ही उसको कम होने देता है। अर्थात रक्त में शर्करा के स्तर को बनाए रखता है। तो इसका क्या कार्य हो गया इंसुलिन हार्मोन का? इंसुलिन हार्मोन का कार्य है रुधिर में शर्करा के स्तर का नियमन करना। अर्थात जो हमारा इंसुलिन हार्मोन है ये रुधिर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है, उसका नियमन करता है। जब अगर माना कभी रुधिर में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है तो इंसुलिन की मात्रा भी बढ़ जाती है, उससे वो उसको कंट्रोल कर लेता है। और यदि रुधिर में शर्करा की मात्रा कम हो जाती है तो इंसुलिन की मात्रा भी कम हो जाती है दोस्तों। और इंसुलिन हार्मोन की कमी से एक रोग होता है जिसे हम मधुमेह रोग कहते हैं। बहुत सी बार ये क्वेश्चन आ चुका है, मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? तो मधुमेह रोग इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है दोस्तों। पीनियल ग्रंथि, पीनियल ग्रंथ। तो दोस्तों पीनियल ग्रंथि हमारे अग्र मस्तिष्क के थैलेमस भाग में स्थित होती है। पीनियल ग्रंथि अग्र मस्तिष्क के थैलेमस भाग में, अग्र मस्तिष्क के थैलेमस भाग में स्थित होती है। और आपसे पूछे कि अग्र मस्तिष्क के थैलेमस भाग में कौन सी ग्रंथि होती है? पीनियल ग्रंथि। और पीनियल ग्रंथि से स्रावित हार्मोन का नाम है मेलेटोनिन हार्मोन, मेलेटोनिन हार्मोन। जनन ग्रंथियां तो एक तो हमारा वृषण जनन ग्रंथि है और एक है हमारा अंडाशय ओवेरीज एक टेस्टिस। मनुष्य में एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं, एक जोड़ी। और अंडाशय भी मनुष्य में जो मादा होती है उसमें एक जोड़ी अंडाशय होते हैं, अर्थात दो अंडाशय होते हैं। यह तो होता है मादा में
और ये नर सॉरी वर्षण होते हैं नर। तो वृषण नर में एक जोड़ी पाए जाते हैं, अंडाशय मादा में एक जोड़ी पाए जाते हैं। वृषण में स्थित संयोजी ऊतक, संयोजी ऊतक, उसके अंदर अंतराली कोशिकाएं पाई जाती हैं। अंतराली कोशिकाएं जिनके द्वारा एक हार्मोन का स्राव होता है उसे टेस्टेस्टेरोन हार्मोन कहते हैं। टेस्टेस्टेरोन, टेस्टेस्टेरोन हार्मोन कहते हैं। अर्थात वृषण मनुष्य में नर में एक जोड़ी होते हैं और जो वृषण है उसके अंदर संयोजी ऊतक होता है और संयोजी ऊतक के उसके अंदर अंतराली कोशिकाएं पाई जाती हैं और अंतराली कोशिकाओं से एक हार्मोन का स्राव होता है जिसे टेस्टेस्टेरोन हार्मोन कहते हैं। इसे नर लैंगिक हार्मोन भी कहते हैं, नर लैंगिक हार्मोन। इसी प्रकार जो मादा होती है उसमें अंडाशय एक जोड़ी होते हैं और अंडाशय से दो हार्मोन स्रावित होते हैं, एक का नाम एस्ट्रोजन और एक का नाम प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन अंडाशय से दो हार्मोन स्रावित होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। इन दोनों का कार्य क्या है? इनका कार्य है मादा में लैंगिक अंगों का विकास, मादा में लैंगिक अंगों का विकास एवं मासिक चक्र का नियमन, मासिक चक्र का नियमन। इसी प्रकार जो नर लैंगिक हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, यह नर में नर लैंगिक अंगों का विकास करता है, नर लैंगिक अंगों का विकास। अर्थात जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है इसे नर लैंगिक हार्मोन भी कहते हैं और इसका काम क्या है? नर लैंगिक अंगों का विकास। मादा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्त्राव होते हैं, दोनों का कार्य क्या है? मादा में लैंगिक अंगों का विकास एवं मासिक चक्र का नियमन। अर्थात एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन मादा में लैंगिक अंगों का विकास एवं मासिक चक्र का नियमन। अर्थात इन तीनों हार्मोनों को यौनारंभ हार्मोन भी कहते हैं। यौनारंभ हार्मोन टेस्टेस्टेरोन प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, इन तीनों हार्मोनों को यौनारंभ हार्मोन भी कहते हैं क्योंकि जब यौना अवस्था आती है तब ये स्रावित होते हैं टीन एज में, किशोरावस्था में। हमारे अंतःस्रावी ग्रंथि वाला चैप्टर पूरा होता है। एक और देखिए जो थायराइड ग्रंथि है उससे स्रावित हार्मोन है थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन इसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कार्य है शरीर की वृद्धि के लिए, उपापचय का नियमन, उपापचय का नियमन, उपापचय। तो थायरोक्सिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है, इसका महत्वपूर्ण कार्य है शरीर की वृद्धि के लिए उपापचय का नियमन। और एक और हार्मोन है मोचक हार्मोन, मोचक हार्मोन, मोचक हार्मोन पीयूष ग्रंथि से हार्मोन स्राव को प्रेरित करता है। पीयूष ग्रंथि से हार्मोन स्राव को प्रेरित करता है। अर्थात जो मोचक हार्मोन है ये पीयूष ग्रंथि से हार्मोन स्राव को प्रेरित करता है।
ये दोनों ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो देखने के लिए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।